हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको Realme के नए स्मार्टफोन सीरीज Realme Q सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों बताने वाला हूं। इसके दोस्तों स्पेक्स बाहर आ गए हैं, कब लॉन्च होगा, क्या प्राइसिंग होगी, सब दोस्तों आ चुका है। जितने भी लीक्स जितने भी रूमर्स है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और दोस्तों बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या प्राइस होगा, कब लॉन्च होगा, सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों मैंने Mi 10T सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स के सारे ऑफिशियल स्पेक्स, ऑफिशियल प्राइसिंग, कब लॉन्च होगी सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं, क्लिक करके देखिए और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। तो दोस्तों देखो ये जो Realme Q सीरीज होने वाला ना, यहां पर दोस्तों आपको हाई स्पेक्स देखने को मिलेंगे बट प्राइसिंग जो होगी काफी अग्रेसिव होगा। ये दोस्तों Realme के CEO हैं, जो ग्लोबल CEO हैं उनका दोस्तों ये कहना है, इसीलिए दोस्तों Realme Q सीरीज आ रहा है। तो दोस्तों उन्होंने वेबो पे एक फोटो शेयर किया था जहां पर दोस्तों एक कॉफी का ग्लास है और पीछे दोस्तों एक डक है। अब दोस्तों जो कॉफी का ग्लास है उसमें कुछ लिखा हुआ है चाइनीज में, मैंने इसको ट्रांसलेट किया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दे रहा हूं। आप दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर दोस्तों 70, 80 और 0 ऐसे दशक की बात चल रही है, नदियां, झील, ये सब की बातें हो रही हैं। और दोस्तों यहां पर क्यू का मतलब मेरे को बस इतना ही समझ आया कि क्वैक क्वैक डक है, और कुछ दोस्तों मेरे को मालूम नहीं चला कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या ग्लास में लिखा हुआ है। आपको दोस्तों अगर समझ आया तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग Realme Q के स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंचेस का OLED डिस्प्ले दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन। वो दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर OLED डिस्प्ले दिखाई देगा और यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का दोस्तों रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और कई कई जगह पे तो मेंशन ऐसा भी हो रहा है कि AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जो टाइप होगी बहुत ही अच्छी वाली देखने को मिलेगी, यानी कि AMOLED या OLED। यहाँ पर 20:9 पे स्मार्टफोन बेस्ड होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अभी कहीं भी मालूम नहीं चला कि आपको कितने हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो 90Hz दोस्तों मान के चलो। और दोस्तों अगर बात कर ले कैमरास के बारे में, तो क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 48MP का वाइड एंगल कैमरा होगा यहाँ पर दोस्तों, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसिंग। अगर बात कर ले सेल्फी के बारे में, तो 16MP की सेल्फी मिलेगी पंच होल डिस्प्ले के साथ और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। इसका मतलब दोस्तों ये बात तो तय है, OLED स्क्रीन या फिर AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर डुअल सेल बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगा 4200mAh का, और दोस्तों यहाँ पर आपको 65W का सुपर वूक चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। एक सेल होगा 2100mAh का, एक सेल होगा 2100mAh का, तब 4200mAh बन गया, ठीक है। और यहाँ पर 65W का आपको वूक चार्जिंग तो बता दिया ना मैं। और यहाँ पर दोस्तों 175g का दोस्तों स्मार्टफोन ये होने वाला है, अभी तक तो यही मालूम चला है। और Realme UI 2.0 पे दोस्तों बेस्ड होगा, इसका मतलब ये Android 11 के साथ आएगा। अब दोस्तों देखो यार, पहली बात तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो Realme UI 2.0 वो चाइना के लिए है, ठीक है, चाइना में एंड्रॉइड नहीं चलता है, तो एंड्रॉइड 11 को मत उसमें काउंट करिएगा, Realme UI 2.0 के साथ वो चलेगा, ठीक। यहाँ पर आपको 2.4GHz का दोस्तों यहाँ पर एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अभी तक ये नहीं मालूम चला कि कौन सा प्रोसेसर होगा, बस इतना ही मालूम है 2.GHz पे वो क्लॉक्ड होगा, मे बी Dimensity का कोई प्रोसेसर हो जाए। और अगर दोस्तों प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें, तो ये स्मार्टफोन आपको 13 से 16 हज़ार की रेंज में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा चाइना में, चाइना की प्राइसिंग बता रहा हूँ 13 से 16 हज़ार की रेंज में। और अक्टूबर के 13 तारीख को दोस्तों ये स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हो जाएगी चाइना में। अभी तक दोस्तों जितने ऑफिशियल स्पेक्स थे मैंने सब बता दिए आपको, क्योंकि दोस्तों जितने भी टिप्सटर्स बताते हैं स्पेक्स वो दोस्तों 100% तो नहीं, 99.9% यहाँ पर सच हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके भी सोर्सेस हैं, तभी ना ये सब स्पेक्स बताते हैं। और जब भी उन लोग बताते हैं तो दोस्तों जब असली स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो वो स्पेक्स सही निकलते हैं, वो कई बार अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। और जो डिजिटल चैट स्टेशन है उनका तो क्या कहना, वो जो भी बताते हैं वो तो सच ही निकल जाता है। तो दोस्तों काफी अच्छे लगे मेरे को इस स्मार्टफोन के स्पेक्स, काफी अच्छे तरीके से दोस्तों आपको सही प्राइसिंग पे आपको बहुत हाई लेवल के स्पेक्स प्रोवाइड कर दे रहा है ये Realme Q सीरीज का स्मार्टफोन। बस दोस्तों एक बात का मेरे को दुख है कि यहाँ जो Realme X सीरीज है, V सीरीज है, Q सीरीज है, ये दोस्तों इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च होते हैं, खासकर Realme X सीरीज का ये जो नया स्मार्टफोन नहीं आया, Realme X7 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं, X7, X7 Pro, ये दोस्तों सब इंडिया में कब लॉन्च होंगे। इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च करता है Realme, इंडिया में एकदम अजीब टाइप के बस खाली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्मार्टफोन लॉन्च कर देते हैं। अभी देखो Realme 7i लॉन्च होने वाला, उसके जगह पर Realme X7 सीरीज लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। ये सब स्मार्टफोन्स कब आएंगे यार, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आए, हम लोग उसको बाय करें। अब दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी
बात है, रेडमी लॉन्च करेगा अपने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स को, तो रियलमी भी देख के लॉन्च करेगा, फिर ओप्पो भी लॉन्च करेगा, फिर वीवो भी लॉन्च करेगा, यहाँ पर कॉम्पिटिशन तब बनेगा। अब दोस्तों कोई कॉम्पिटिशन यहाँ कर ही नहीं रहा, सब 4G स्मार्टफोन्स के साथ खुश है, इसी वजह से कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होता, ऐसा मेरा सोच है। आपका दोस्तों क्या सोच है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों रियलमी X7 लाइट के ऊपर भी दोस्तों मैं एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देखो। आपको दोस्तों उसके भी स्पेक्स जानने जरूरी है, वो भी बहुत अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देता है, उसके बारे में तो सब कुछ मालूम चल गया है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और ये स्मार्टफोन्स के स्पेक्स कैसे लगे, आपको सबसे पहले ये कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज़ भी देता हूँ, तो टेक न्यूज़ भी जरूर से देखा करो, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.